मंसूर, आपके कपड़े मैं अलमारी में रख दूं या इस्त्री के लिए अलग कर दूं? तो रहने दो कपड़ों को फिलहाल, अभी तुम बैठो मेरे पास इधर। अरे बैठो। सब ठीक है मंसूर? हाँ, सब ठीक है। मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मुस्कान के बारे में क्या सोचा है? मुस्कान के बारे में? पहले एक फैसला किया है। अब मुस्कान को अपनी बेटी बना लेते हैं ना, नहीं समझी? मुस्कान की शादी अपने हसान से कर देते हैं। हसान से? हाँ, ये कैसे हो सकता है मंसूर? मुस्कान की शादी आसान के साथ कैसे हो सकती है? कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकती है? छोड़ो इसे, इधर बैठो। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों 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 नहीं हो सकती? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अपने क्या मुस्कान और आसान का कोई जोड़ नहीं है। मुस्कान ने बीबीए किया है और आपको पता है अब वो एमबीए की तैयारी कर रही है। माशाल्लाह बहुत जहीन और काबिल बच्ची है। और अपना आसान एक नंबर का लापरवाह है और कोई काम भी तो नहीं करता। तो काम तो तब करेगा ना जब उसके हाथ में पैसा आएगा। जो मैं बात समझा रहा ना तुझे, उसको ठंडे दिल से सुन और फिर समझ। मुस्कान के दादा ने जो मुस्कान को प्रॉपर्टी दी है वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, समझ। मैंने प्रॉपर्टी के जो कागजात है ना, वो प्रॉपर्टी डीलर को दिखाए थे। उसने कहा, भाई मियाँ, ये जमीन तो करोड़ों की है, बहुत महंगी बिकेगी। अब जो उससे पैसा आएगा उससे अपने आसान को कारोबार करा देंगे, ठीक हो गया? ये कैसे हो सकता है मंसूर? वो सारी प्रॉपर्टी मुस्कान की है, उससे हमारा एहसान कैसे कारोबार कर सकता है? किस कम अकल औरत से मेरा वास्ता पड़ गया, जिंदगी हराम हो गई खुदा की कसम। अरे बस अकल बट रही थी कहां पे? बाबी कहेंगी। समझते क्यों नहीं मेरी बात को? मैंने कहा पहले सुन ले फिर जवाब देना। देख, अपने हसन की शादी मुस्कान से हो जाएगी तो हाँ, शादी के बाद जो कुछ भी बीवी का होता है ना, वो शौहर के आदमी दबाता है, किसके हाथ में आता है? आप कुछ बड़ी बल्ले। सुन, आगे सुन, इसको बहुत गौर से सुनना। अपने बेटे पे तवज्जो देना, मुस्तकबिल समझ जाएगा उसका। और इस बात को तो ये मैं यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम तेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, ठीक हो गया? फिर सबसे काम की बात जो तेरे कलेजे पे जाके लगेगी, 24 घंटे ना यही आंखों के सामने रहेगी।